हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत एकाधिकारी का संतुलन। पर इससे पहले कि हम मोनोपोलिस्टिक इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें, हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कीमत विभेदीकरण क्या होता है उसे भी समझ लेना चाहिए। दोस्तों, कीमत विभेदीकरण के ऊपर डिटेल में मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि कीमत विभेदीकरण या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तब कहा जाता है जब एकाधिकारी तकनीकी रूप से समान पदार्थ को अलग अलग क्रेता या बायर को अलग अलग कीमत पर बेचने में कामयाब हो जाता है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे ब्रांडिंग बदलकर कीमत में विभेदीकरण, रैपिंग बदलकर कीमत में विभेदीकरण, या फिर वस्तुओं को अलग अलग बाजार में बेचकर कीमत विभेदीकरण। अब अगर यह मान लें कि एक एकाधिकारी कीमत विभेदीकरण कर रहा है तो सवाल उठता है कि वह वस्तुओं की कीमतों में कितना विभेद कर सकता है, यानी अलग अलग बाजार में वस्तुओं को कितनी कितनी कीमत पर बेच सकता है। तो एक एकाधिकारी द्वारा समान वस्तु को अलग अलग कीमत पर अलग अलग बाजार में बेच पाना विभिन्न बाजारों में मांग की लोच पर निर्भर करेगा, यानी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी उस बाजार में वस्तु की कीमत कम होगी, और जिस बाजार में मांग की लोच कम होगी वहां कीमतें अधिक होंगी। इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एक मोनोपोलिस्ट द्वारा उत्पादित वस्तु के मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जितना अधिक डिफरेंस होगा वह उतना अधिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकेगा और किसी एक बाजार को उतने ही अधिक भागों में बांट सकेगा। चलिए इसे एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक एकाधिकारी किसी बाजार को वस्तु के मांग की लोच में भिन्नता के आधार पर दो भागों में बांटता है। पहला मार्केट ए है और दूसरा मार्केट बी है, और यह टोटल मार्केट है जो दोनों मार्केट ए और बी का जोड़ है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ए में वस्तु के मांग की लोच कम है, इसलिए डी ए इज इक्वल ए आर ए, जो कि एकाधिकारी का मांग वक्र और औसत आय वक्र दोनों है, ज्यादा तेज ढाल वाला है। यहाँ एम आर ए मार्केट ए का सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू वक्र है। आप देख सकते हैं कि ई ए संतुलन का बिंदु है, जहां OQA मात्रा के लिए OPA कीमत निर्धारित हो रही है। ठीक इसी तरह आप मार्केट बी में भी देख सकते हैं, यहां एकाधिकारी के मांग की लोच अधिक है, इसलिए ARB वक्र की ढाल अधिक फ्लैटर है। DB इज इक्वल ARB एकाधिकारी का मांग वक्र और औसत आय वक्र है, MRA एकाधिकारी का सीमांत आय वक्र है, संतुलन EB बिंदु पर है जहां OQB मात्रा के लिए PB कीमत निर्धारित हो रही है। अब मार्केट A और B पर गौर करने से हमें पता चलता है कि दोनों ही बाजार में एकाधिकारी की सीमांत आय आपस में बराबर है, यानी EAQA इज इक्वल EBQB। अब सवाल उठता है कि जब दोनों ही बाजार में मांग की लोच में भिन्नता है और कीमतें अलग अलग हैं तो सीमांत आय कैसे बराबर हो सकती है। तो एक एकाधिकारी उसी बाजार में वस्तुएं बेचना पसंद करता है जहां कीमतें अधिक हो, यानी मार्केट बी के बजाय मोनोपोलिस्ट मार्केट ए में वस्तुएं बेचना ज्यादा पसंद करेगा, और शुरू में वह मार्केट ए में ही ज्यादा वस्तुएं बेचने की कोशिश करेगा और मार्केट बी से वस्तुएं निकालकर मार्केट ए में बेचना शुरू करेगा। पर एक सीमा के बाद एकाधिकारी महसूस करेगा कि उसकी सीमांत आय या मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट ए में पहले की अपेक्षा घटने लगी है, जबकि मार्केट बी में सीमांत आय पहले की अपेक्षा बढ़ने लगी है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसने मार्केट ए में वस्तु की सप्लाई बढ़ा दी है जबकि मार्केट बी में सप्लाई घटा दी है। जब मार्केट ए में सप्लाई बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कीमतें एक्सेस सप्लाई की वजह से घटने लगेगी और सीमांत आय भी घट जाएगी। ठीक इसके उलट मार्केट बी में वस्तुओं की शॉर्टेज होने की वजह से कीमतें बढ़ेंगी और वहां सीमांत आय भी बढ़ेगा,
तब एक एकाधिकारी मार्केट डिमांड के हिसाब से फिर से खुद को रीएडजस्ट करेगा और खुद को इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करेगा कि उसको दोनों ही बाजार में एक समान सीमांताएं की प्राप्ति हो। अब इस टोटल मार्केट या इसे एग्रीगेट मार्केट भी कह सकते हैं, इस पर नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल मार्केट इन दोनों मार्केट ए और बी का सम्मिलित रूप है और डी टी इज इक्वल ए आर टी मार्केट ए और मार्केट बी का सम्मिलित डिमांड और एवरेज रेवेन्यू कर्म है। ठीक इसी तरह एम आर टी भी मार्केट ए और मार्केट बी का सम्मिलित मार्जिनल रेवेन्यू कर्म है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एम सी सीमांत लागत रेखा ई टी बिंदु पर एम आर टी को काट रही है तथा संतुलन बिंदु यहाँ ई टी होगा। अब इस पूरे विश्लेषण में ध्यान देने लायक दो बातें हैं। पहला कि मार्केट ए और मार्केट बी में सीमांत आय का जोड़ टोटल मार्केट में उत्पादित सभी वस्तुओं के सीमांत लागत के बराबर होगा। और दूसरा कि प्रति इकाई सीमांत आय यानी एम आर ए इज इक्वल एम आर बी इज इक्वल एम सी ऑफ टोटल मार्केट होगा, यानी ई ए क्यू ए इज इक्वल ई बी क्यू बी इज इक्वल ई टी क्यू टी होगा। आप देख सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत एक मोनोपोलिस्ट का फर्म संतुलन वहीं पर होता है जहां पर एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टोटल आउटपुट होता है तथा एम आर ए इज इक्वल एम आर बी इज इक्वल एम सी होता है। अब मार्केट ए और मार्केट बी के बीच सीमांत आय और मांग की कीमत लोच के बीच संबंध को हम इस तरह से भी दिखला सकते हैं। एम आर इज इक्वल पी इंटू ई माइनस वन बाई ई। यहाँ एम आर सीमांत आय है, पी कीमत है और ई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। मार्केट ए के संदर्भ में हमें इस रिलेशन को दिखलाना हो तो हम एम आर ए इज इक्वल पी ए इंटू ई ए माइनस वन बाई ई ए लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह मार्केट बी के संदर्भ में भी हम एम आर बी इज इक्वल पी बी इंटू ई बी माइनस वन बाई ई बी लिख सकते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मार्केट ए और बी में संतुलन की स्थिति में सीमांताएं आपस में बराबर होती हैं, यानी एम आर ए इज इक्वल एम आर बी, यानी पी ए इंटू ई ए माइनस वन बाई ई ए इज इक्वल पी बी इंटू ई बी माइनस वन बाई ई बी होता है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी ए बाई पी बी इज इक्वल ई बी माइनस वन बाई ई बी होल डिवाइडेड बाय ई ए माइनस वन बाई ई ए। अब अगर मार्केट ए में मांग की मूल्य लोच दो हो और मार्केट बी में मांग की मूल्य लोच चार हो तो पी ए बाई पी बी इज इक्वल फोर माइनस वन बाई फोर होल डिवाइडेड बाय टू माइनस वन बाई टू इज इक्वल थ्री बाई फोर होल डिवाइडेड बाय वन बाई टू इज इक्वल थ्री बाई टू इंटू टू बाई वन इज इक्वल थ्री बाई टू होगा। यानी अगर मार्केट ए और बी में मांग की लोच क्रमशः दो और चार हो तो वस्तु के कीमत के बीच अनुपातिक संबंध 3:2 का होगा। यानी बाजार ए में वस्तु ₹3 की बिकेगी तो बाजार बी में ₹2 की बिकेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।